वैलेंस रिलेशन स्टार्ट हो गया अभी क्या मेरा. ओके सो ए रिलेशन विच इज रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक एज वेल एज ट्रांसिटिव देन दैट टाइप ऑफ रिलेशन इज सेड टू बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन. रिफ्लेक्सिव, रिफ्लेक्सिव क्या होता है देखो, सपोज आई एम टेकिंग स्टेट ए 1 2 3, देर आर थ्री एलिमेंट्स 1 2 3, राइट ए रिलेशन ऑन ए सेट ए, सेट ए पर ही रिलेशन लिखना है. समटाइम्स देर मे बी टू सेट, देन इन दैट केस वी विल से राइट ए रिलेशन फ्रॉम सेट ए टू बी, राइट ए रिलेशन इन सेट ए. इन सेट ए म्हटलं तर त्या सेट वरती पुन्हा ए कॉस ए घ्यायचा, तो दुसरा पण सेट तोच घ्यायचा. ओके सो राइट ए रिलेशन, सबसे पहिले तो उसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालना पड़ेगा हमका. हमको ए क्रॉस ए क्या होगा, 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 3 1 3 2 3 3, है ना. ये तो हो गया कार्टेशियन प्रोडक्ट उसका. नाउ राइट ए रिलेशन इन सेट ए ऑफ ऑर्डर पेयर्स एक्स वाई सच दैट, ऐसा रिलेशन लिखो कि सपोज आई वॉन्ट एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन 6, वेयर एक्स एंड वाई बिलोंग्स टू कैपिटल ए. एक्स और वाई दोनों जो नंबर थे वो सेट ए में से है सपोज, है ना. आणि मला रिलेशन असं लिहायचं, आता ह्या कार्टेशियन प्रॉडक्ट पैकी मला असे ऑर्डर पेयर सिलेक्ट करायचे आहे की ज्याच्यामध्ये दोघांची सम ग्रेटर दॅन 6 असेल. डेफिनेटली ऑल ऑर्डर पेयर फुलफिल दॅट कंडिशन, है ना, सब इसमें है. तो यहाँ पर रिलेशन में आपके 1 1 आएगा, 1 2 भी आएगा, 1 3 भी आएगा, 2 1 आएगा, ग्रेटर दॅन 6 है ना. क्यों एक्स प्लस वाई ग्रेटर दैन 6 ले रहा हूं मैं. सॉरी ग्रेटर दैन 6, ये 1 1 नहीं आएगा. तो लेस देन लिया तो, हाँ लेस देन लिया तो, लेस देन लेते, मुझे सभी चाहिए, लेस देन 6 लेते, ठीक है. लेस देन और इक्वल टू 6 ले लेते, लेस देन और इक्वल टू, सभी चाहिए मुझे. 2 2 आएगा, 2 3 आएगा, 3 1 आएगा, 3 2 आएगा, 3 3 आएगा, है ना. अभी यहाँ पर फॉर एवरी जनरल ए रिलेशन इज सेड टू बी ए रिफ्लेक्सिव रिलेशन इफ फॉर एवरी ए, एवरी ए म्हणजे ह्या प्रत्येक इलेमेंट साठी, सभी के लिए ए मस्ट प्रेझेंट इन दॅट रिलेशन, ए मस्ट प्रेझेंट इन दॅट रिलेशन. इस रिलेशन में ए ऑर्डर आना ही है. जैसे 1 2 3 है तो 1 1 भी आना है, 2 2 भी आना है, 3 3 भी आना है. अगर एक भी नहीं आता है तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन विल नॉट बी रिफ्लेक्टिव रिलेशन. लक्षा लगा, तो 1 2 3 नहीं थे, 1 1 आएगा, 2 2 आए, 3 3 है, तीनों है ना, तो ये रिफ्लेक्टिव रिलेशन है, ठीक है. देन सिमेट्रिक रिलेशन, इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए मस्ट बिलोंग्स टू आर. जर ए आणि बी ऑर्डर पेयर त्या रिलेशन मध्ये येत असेल तर बी ए सुद्धा पाहिजे आपल्याला. जसे 1 2 आहे, 2 1 असायला पाहिजे आहे, 1 3 आहे, 3 1 असायला पाहिजे आहे, 2 3 2 आहे, 3 2 तो 2 3 बी है ना. सो इफ ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए ऑल्सो बिलोंग्स टू दिस आर, देअर फॉर दिस रिलेशन इज सिमेट्रिक रिलेशन. सिमेट्रिक पण आहे, बरोबर आहे की नाही. आता इक्वि, आता ट्रान्झिटिव्ह आहे का, ट्रान्झिटिव्ह काय कहताय की इफ ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन, बी सी बिलोंग्स टू दॅट रिलेशन, देन ए सी मस्ट बिलोंग्स टू दॅट रिलेशन. जैसे की यहां पे देखो 1 1, फिर 1 से स्टार्ट हुई है 1 2, तो ये वाला 1 2 भी होना चाहिए. तो है क्या, ये है यहाँ पर. जैसे 1 3 है और 3 2 है, ये वाला ले लो, ये वाला ले लो, सेकंड से स्टार्ट होने वाला 1 3 है, 3 2 है, तो 1 2 भी होना चाहिए. है क्या इसमें 1 2, है यहाँ पर 1 2, है ना. जैसे 2 2 है, 2 3 है, तो 2 3 भी होना चाहिए यहाँ पर ही. जैसे 2 2 है, 2 2 है, 2 1 है, तो 2 1 होना चाहिए, है यहाँ पर. सो फॉर एवरी
ए बी सी बिलोंगिंग टू दिस कैपिटल ए, कोई भी तीन एलिमेंट ले लो इसमें से, कोई भी तीन, अगर ए बी ऑर्डर पर उसमें है और बी सी भी है तो ए सी भी होना चाहिए, अगर ऐसा है तो दैट टाइप ऑफ रिलेशन विल बी ए कौन सा ट्रांजिटिव रिलेशन, ट्रांजिटिव हो जाएगा। अगर कोई भी एक रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, देन दैट विल बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ये यहाँ पर अभी इक्विवेलेंस रिलेशन हो गया, समझ में आया ना इसका डिफरेंस क्या होता है, तो लक्ष्य वाला ना नुस्ते ऐसे मत। सपोज अगर मैं कहता हूं कि यहां पर इट इज लेस देन फाइव, फॉर एग्जाम्पल लेस देन और इक्वल टू फाइव, रिलेशन आप कितने भी ले सकते हैं, लेकिन रिलेशन मैक्सिमम कितने हो सकते हैं, जितने इसके सबसेट होंगे उतने, किसके सबसेट, ए क्रॉस ए के, ए क्रॉस ए चे जोड़े सबसेट होती, एम्प्टी सेट पर त्याच्यामध्ये येत आहे, एम्प्टी सेट इज ऑल्सो ए सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, सो दॅट इज ऑल्सो रिलेशन। इफ आय से दॅट राईट अ रिलेशन ऑन सेट ए सच दॅट एक्स प्लस वाय इक्वल्स टू मायनस एट, सपोज एक्स प्लस वाय मायनस एट आता ही नाही आपण आय गे दॅट विल बी एम्प्टी रिलेशन, तो एम्प्टी रिलेशन सबसेट वो भी एम्प्टी एक रिलेशन ही हो जाएगा। तो ऐसे और यहाँ पर जो है यूनिवर्सल रिलेशन आया था, अभी जो रिलेशन लिखा था मैंने सारे के सारे यहाँ के ऑर्डर पे आए थे, वो पूरा यूनिवर्सल रिलेशन हो गया। तो एम्प्टी रिलेशन यूनिवर्सल रिलेशन है ना, एक्सट्रीम रिलेशन दोनों को कहेंगे एक्सट्रीम रिलेशन, दोनों टोका और दोनों रिलेशन एक्सट्रीम रिलेशन, एम्प्टी एज वेल एज यूनिवर्सल रिलेशन। तो रिलेशन उतने ही होते हैं, आप रिलेशन कोई भी बनाओ, कोई भी रिलेशन बोलो, आपका आंसर जो होगा इसका सबसेट ही होगा आंसर, या तो सबसेटच असेल, तुम्ही काही पण सांगा, एक तो एम्प्टी येणार आहे किंवा सर्व येतील किंवा याच्यापैकी काही सिलेक्टेड येतील। सो इसके जितने आपके सबसेट तयार होते उतने ही हमेशा रिलेशन होते है। सो अपने रिलेशन आर देयर इसमें ए क्रॉस ए पे कितने रिलेशन होंगे, तो जितने इसके सबसेट होंगे, सबसेट कितने होते रहे, कितने इसके सबसेट हो जाएंगे, जैसे आपने देखा सेट ए में वन टू है, इसके सबसेट कितने हो जाएंगे, टू का पावर टू ना, टू का पावर टू फोर हो जाएंगे। तो ये एक एलिमेंट ही है, एक एलिमेंट ही, दो हो गया, तीन हो गया, इस तरह से एन की वैल्यू यहां से मिलेगी आपको। सो जितने सबसेट रहते उतने ही उसके रिलेशन होते हैं उस पर, ठीक है। अच्छा दूसरी बात, इक्विवेलेंस क्लास क्या होता है, इक्विवेलेंस क्लास चलाता ही नहीं थी, हाँ कुछ सीट होता अपना वन टू थ्री सपोज, ओके राइट ए रिलेशन ऑन सेट ए बघा सारखं लिहू आपण सच दॅट ऑर्डर पेयर्स एक्स वाय सच दॅट एक्स प्लस वाय इज लेस दॅन इक्वल टू सिक्स वेअर एक्स वाय बिलॉंग्स टू ए, ते माझं रिलेशन आहे। तर याच्यामध्ये रिलेशन मध्ये आपले ऑर्डर पेयर्स आले होते वन 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 टू वन थ्री टू वन टू 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 थ्री थ्री वन थ्री टू थ्री थ्री अनुशेष है क्या, हाँ अनुशेष सांग बरं इक्विवेलेंस क्लास काय असतो, तर व्हॉट इज इक्विवेलेंस क्लास, नाही माहित मी, अरे तिकडे झालं नाही का रे दक्षिणाकडे, इक्विवेलेंस क्लास मेहर, चलो क्या होता है इक्विवेलेंस क्लास, एक्चुअली आपके सिलेबस में नहीं है वो, फिर भी पता कर लो जेई में हो सकता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इलेवन, इक्विवेलेंस इक्विवेलेंस क्लास ऑफ एक्स इज डिनोटेड बाय ऐसा डिनोट करेंगे, ऐसा डिनोट करेंगे। अभी इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इथे इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन म्हणजे वन हा कोणाकोणा सोबत रिलेट झाला त्या रिलेशन मध्ये तो सेट, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन म्हणजे वन कोणाकोणा सोबत रिलेट झाला, आपले वन सोबत झालेला आहे, वन वन सोबत झालेला आहे, वन टू सोबत झालेला आहे, वन थ्री सोबत झालेला आहे, है ना। सो दिस इज द इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन, इक्विवेलेंस क्लास ऑफ वन इज दिस सेट वन टू थ्री, याचा तर ऑर्डर पेयर कोणत्या, मग वन 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 टू वन थ्री। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू कितना है,
इक्विवेलेंस क्लास ऑफ टू सांगा आता दोन कोणाकोणासोबत रिलेट झाला वन टू और थ्री सेम आ रे थ्री कोणासोबत रिलेट झाला थ्री वन टू थ्री ये डिफरेंट भी नंबर आ सकते कोई प्रॉब्लम नहीं तो दिस टाइप दिस इज इक्विवेलेंस क्लास इक्विवेलेंस क्लास अगर ये सपोज मैं ए वन से बताऊ ए टू से बताऊ तो ए थ्री से बताऊ सो दीज आर दी पार्टीशन सेट पार्टीशन अलग अलग है क्योंकि यहाँ पर ए वन इंटरसेक्शन ए टू इंटरसेक्शन ए थ्री इज इक्वल टू फाइव इंटरसेक्शन तीनों का फाइव है क्योंकि ये ऑर्डर पे वन वन है आपको ये वन टू थ्री दिख रहा है कॉमन वन टू थ्री नहीं आएगा सेट है ये लेकिन इक्वेलेंस ऑर्डर इधर कौन सा ही है वन 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 टू वन थ्री है ये टू वन टू 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 थ्री है टू वन और वन टू आर नॉट इक्वल टू वन ऑर्डर पेयर वन टू डिफरेंट है ना इसमें टू वन है इसमें वन टू है इसलिए कॉमन नहीं है टू वन और वन टू आर डिफरेंट सो हियर ए वन ए टू ए थ्री जो तीन क्लास लिखे मैंने इक्विवेलेंस क्लासेस वो हमेशा इंटरसेक्शन का फाइव होता है हमेशा फाइव होता है दीज आर कॉल्ड द पार्टीशन पार्टीशन सेट्स हो गए तीनों ही है ना पार्टीशन और तीनों का अगर हम कॉम्बिनेशन करके ए वन ए टू यूनियन ए थ्री तो आपको वो इक्विवेलेंस रिलेशन जो था आपका वो मिलेगा है ना समेशन भी चल दे तो इस टाइप इक्विवेलेंस क्लास में उस वो जो एलिमेंट होता है किसके किसके